हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज आपको जो पार्ट है, पार्ट नंबर आपको 8 मिल जाएगा या फिर 9 होगा अरिथमेटिक फंक्शन के अंदर। अब यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर अपना प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, तभी आपका लिंक बन पाएगा। आज हम 3 से 4 एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट वाली, और एग्जाम्पल काफ़ी आसान होती है, ऑलवेज रहती है, बस उनको समझना पड़ेगा। यदि हम क्रैमिंग करके जाएंगे तो दिक्कत आएगी, यदि हम अंडरस्टैंड करके जाएंगे तो ये एग्जाम्पल और ऐसी और भी एग्जाम्पल आप खुद से कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आज हमारी एग्जाम्पल है, हमने क्या शो करना है कि हमारे पास जो सबमिशन दे रखा है 1/d, वेयर d इज अ डिवाइजर ऑफ n इज इक्वल टू सिग्मा n ओवर n होता है। सिग्मा n हमारे पास क्या होता है जी? सिग्मा n हमारे पास होता है नंबर ऑफ डिवाइजर, दैट इज सम ऑफ द डिवाइजर। सिग्मा n इज द सम ऑफ द डिवाइजर्स हमारे पास होता है, ठीक है। तो इसको भी कैसे प्रूव करेंगे? खुद से प्रूव करेंगे। तो हमारा जो आज का फर्स्ट एग्जाम्पल, हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि यदि हम समीशन कर लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ डी, वेयर डी आपका क्या है डिवाइजर ऑफ एन है, विच इज इक्वल टू सिग्मा एन ओवर एन के इक्वल आएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट देख लेते हैं कहाँ से करना है। तो डियर स्टूडेंट, उन्होंने एन की बात करके, तो आप लेट करो कि हमारे पास एन के डिवाइजर्स कितने हैं, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास d1 है, d2 है, d3 अप टू चलते चलते आपके पास dr, ये सारे के सारे क्या है, भी डिवाइजर्स हैं आपके पास, ठीक है। वे डिवाइजर्स ऑफ हमारे पास n आ जाएंगे, नंबर वन हो गया। यदि ये सारे के सारे डिवाइजर है तो एक एग्जांपल के साथ समझिएगा, यदि हम n को 6 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब n को कौन कौन डिवाइड करता है, आपका 1 भी डिवाइड करता है, आपका 2 भी डिवाइड करता है, आपका 6 भी डिवाइड करता है और आपका 6 की। तो ये सारे के सारे जो चार नंबर आपके पास है, ये सारे के सारे डिवाइजर है आपके 6 की। और यदि हम इनको ऐसे लिखते हो तो इसको आप d1 मार सकते हो, d2 लेट कर सकते हैं, d3 और d4 लेट कर सकते हैं। अभी यदि मैं n ऑफ d1 की वैल्यू निकालूँ, n ऑफ d2 की वैल्यू निकालूँ, n ऑफ d3 की वैल्यू निकालूँ या फिर n ऑफ d4 की वैल्यू निकालूँ, n आपका 6 था, d1 की वैल्यू 1 है, 6/2 आ जाएगा, 6/3 आ जाएगा और 6/ आपके पास क्या रहा, 6 आ रहा है। अब ये जो नंबर आ रहे हैं इनको आप सॉल्व करोगे तो आपका 6 आ जाएगा, इधर से कटिंग करके 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1। तो अब ये जो आपके पास नंबर रिजल्ट आ रहे हैं, दीज आर ऑल्सो द डिवाइजर ऑफ 6। तो ये भी आपके पास डिवाइजर होते हैं, बिकॉज है तो सेम ही है लेकिन उनका जस्ट ऑर्डर चेंज कर गया। दोनों के दोनों पहले केस के अंदर आप 1, 2, 3 और 6 ले रहे हो, और जैसे उनको आपने एन से डिवाइड करा तो आपके पास उनका जो ऑर्डर है वो रिवर्स ऑर्डर में चला गया, लेकिन वो रहेंगे सेम। कहने का मीनिंग ये होगा कि हम हमारी डिवाइजर को, वी कैन राइट अवर डिवाइजर इनटू टू डिफरेंट वे। एक आप डायरेक्ट लिख सकते हो और एक आप क्या लिख सकते हो, रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन, मतलब एन ओवर डी वन, एन ओवर डी टू। आप क्या कर सकते हो, अपने जितने भी डिवाइजर हैं उनका रेसिप्रोकल लेकर उनको एन से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप एन को मल्टीप्लाई कर लो, एन को डिवाइड कर लो डायरेक्ट उन डिवाइजर से, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएंगे वो भी आपके पास डिवाइजर होंगे। तो वी कैन रिप्रेजेंट इन टू डिफरेंट वे, हम कर सकते हैं, इतना कर लिया। अभी जैसे हम हमारे केस के अंदर वापस आते हैं, तो हमारे केस के अंदर जैसे हमने लाइट करा था कि हमारे पास d1 d2 d सारे के सारे डिवाइजर हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, तो देयरफॉर आपके पास n ओवर d1, आपके पास n ओवर d2, हमारे पास चलते चलते n ओवर d ऑफ r, बी ऑल्सो डिवाइजर ऑफ b ऑल्सो, आपके पास ये सारे के सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड आप ऊपर भी ऐड कर सकते हो, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n हो गए। अब हमें करना क्या, एक्चुअल के अंदर हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल का सम लेना है, यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल का सम लेना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देयरफॉर जो हमारे पास समीशन है 1/d, जहाँ पर कि हमारा d डिवाइड n करते हैं, इसका मतलब क्या रहेगा कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n है ना, इसका मतलब होता है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है हमारे पास, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स किसका रहे, डिवाइजर्स किसके है, डिवाइजर्स ऑफ आपके पास n रहेंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब आपके पास दो तरह से आप कर सकते हो, एक तो आपके पास रहिए डायरेक्ट जो d1 d2 d3 dr है, तो आप इनका रेसिप्रोकल ले सकते हो, आपके पास 1/d1 आ जाएगा, आपके पास 1/d2 आ जाएगा, आपके पास 1/d3 आ जाएगा और अप टू सम वन आपके पास 1/d ऑफ r आ जाएगा। एक तो आपके पास ये आ जाएगा d डिवाइड दिस वन, एक तो आपके पास जे वन आ जाएगा कि यदि आप इस मोशन को खोल देते हैं तो ये आपका n तक चलेगा, ठीक है, और नहीं r तक चलेगा बिकॉज हमारे पास टोटल r ही है। ये हो गया, और कर सकते हैं हम, और हम क्या लिख सकते हैं इनको, ये हमारे पास जो d/d(n) है, यहाँ पर अगेन बिकॉज आपके पास जो दूसरे वाले दे रखे ना, ये दूसरे वाले, तो इनका भी आप यहाँ पर रेसिप्रोकल ले सकते हो, इनका भी रेसिप्रोकल ले सकते हो। तो इनका रेसिप्रोकल आएगा 1/n/d1 आ जाएगा, 1/n/d2 आ जाएगा, 1/n/d3 आ जाएगा, अप टू सम 1/n/d(r) आ जाएगा। तो जहाँ से जो आपका नीचे वाला d1 है वो आपका यहाँ से रिवर्स करके ऊपर आ जाएगा, d2 ऊपर आ जाएगा, d3 ऊपर आ जाएगा और जहाँ से dr हमारा ऊपर आ जाएगा। तो बी गेट की हमारे पास जो d1/n आ जाएगा, d2/n आ जाएगा,
डी थ्री ओवर एन आ जाएगा और चलते सो सो हमारे पास डी ऑफ आर ओवर एन आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि एन हमारा कॉमन आ रहा है एलसीएम, तो इन द न्यूमिनेटर हमारे पास डी वन डी टू डी थ्री अप टू सो हमारे पास डी आर आ चुका है और इस तरह हमारे पास क्या है रेसिप्रोकल ऑफ डी है जो कि डिवाइजर ऑफ एन है। तो हमारा इतना आंसर आ गया। अब ये ध्यान से देखना कि हमारे पास न्यूमिनेटर के अंदर आपको क्या दिख रहा होगा, हमारे पास ये डी वन डी टू डी थ्री ये सभी के सारे हमारे हमारे पास क्या था डिवाइजर थे, दिस ऑल आर द डिवाइजर्स ऑफ एन, और इन द न्यूमिनेटर हमारे पास सम ऑफ डिवाइजर आ रहा है, तो सम ऑफ डिवाइजर को आप सिग्मा ऑफ एन से डिनोट कर सकते हैं। तो इन द न्यूमिनेटर वी कैन प्लेस द सम ऑफ ऑल डिवाइजर बाय सिग्मा ऑफ एन, बाय डेफिनेशन ऑफ सिग्मा आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो न्यूमिनेटर के अंदर आपका सिग्मा ऑफ एन बन गया, नीचे आपके पास एन आ गया और यही तो हमारे पास फर्स्ट केस के अंदर हमने प्रूफ करना था कि हमारे पास जितने भी डिवाइजर्स होते हैं किसी नंबर एन के तो उनके रेसिप्रोकल का सम को आप लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा ऑफ एन ओवर एन। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट यहाँ से प्रूव हो जाता है, ठीक है, आज की फर्स्ट एग्जाम्पल थी। जो सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास दे रखी है उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर आपके पास कोई भी एन हो कि जो आपका सिग्मा एन है और यहाँ पर सिग्मा एन फैक्टोरियल की बात करें तो आपका सिग्मा एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री अप टू सम वन ओवर एन है, इससे बड़ा होगा। हम इसको एग्जाम के अंदर जब भी करेंगे तो आप पहले लिख लो खुद के लिए कि हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। बेसिकली हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो हमारे पास जो सिग्मा आ रहा है सिंपल हमारे पास जो सिग्मा ऑफ फैक्टोरियल ऑफ एन और उसको यदि आप एन फैक्टोरियल से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ जाएगा, वन ओवर टू है, वन ओवर थ्री अप टू सेवन आपके पास वन ओवर एन, तो जो वन है तो उसको भी मैं वन ओवर वन लिख सकता हूँ। तो ये आप प्रूव करेंगे कि ये जो आपके पास सम आ रहा है तो इट इज लेस देन इक्वल टू दिस वन। तो डियर हम क्या कर लेते हैं, आपके पास यदि कोई एन नंबर है ना तो हमें बता कि जैसे आपका फाइव फैक्टोरियल, तो फाइव फैक्टोरियल होता है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव तक आप जाते हो और इसका जो बेसिकली आंसर आता है वो आपके पास 120 आता है। अब जो मेन आंसर 120 आ रहा है या फिर 5 फैक्टोरियल, इसके पांच फैक्टर आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं, वन भी फैक्टर है, टू भी फैक्टर है, थ्री भी फैक्टर है, फोर भी और फाइव भी, ये पांच तो आपके पास सामने सामने फैक्टर है और मतलब पांच तो आपके पास है डायरेक्ट, वन टू थ्री फोर और फाइव ये तो आपको डायरेक्ट फैक्टर दिख रहे, लेकिन आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग यदि आप मल्टीप्लीकेशन कर ले तो जैसे आप टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स भी फैक्टर होगा, आप टू को फोर से मल्टीप्लाई करो तो एट भी फैक्टर होगा, आप टू को फाइव से मल्टीप्लाई करो तो टेन भी फैक्टर होगा। कहने का मीनिंग क्या रहेगा कि आपका जो सिक्स है वो भी फैक्टोरियल फाइव को डिवाइड करा है, आप 120 को चेक कर सकते हो, आपका जो एट है वो भी आपके फाइव फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा दैट इज 120 को करेगा, आपका टेन भी इसको डिवाइड करेगा। तो ऐसे आप थ्री को फोर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आपके पास 12 आ जाएगा, थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई कर सकते हो 15 आ जाएगा, फोर को फाइव से करो आपके पास 20 आ जाएगा। और इतना ही नहीं कीजिए होंगे, अभी तो हमने दो दो की मल्टीप्लीकेशन देखी है ना, तो आप तीन तीन की मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो यहाँ पर, जैसे आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से तो आपका ये आ जाएगा सिक्स तो 24 आ जाएगा, फिर आप एक को बाहर लेकर जाओ नेक्स्ट को अंदर ले आओ तो आपके पास 30 भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे मैंने 2 3 5 लेट करा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी यदि आप लेंगे यहाँ से तो आपके पास बहुत सारे डिवाइजर आ जाएंगे, किसके मैं फाइव फैक्टोरियल की बात कर रखा हूँ। इसी नॉलेज को यूज करते हैं हम यहाँ पर, हम लेट कर लेते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास नाउ हमारे पास जो वन होता है टू होता है थ्री होता है फोर होता है अब टू सेवन, यदि आप सिंपल एन तक चलते हैं ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं नॉर्मल, तो दीज आर दी डिवाइजर्स आर दी डिवाइजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ना इंग्लिश लिखने में दिक्कत आ रही है, आर दी डिवाइजर्स ऑफ हमारे पास एन फैक्टोरियल होते हैं। अब मैंने अभी वर्ड यूज करा है कि दीज आर द डिवाइजर, मतलब मैं बोला कि मैं वन टू थ्री और फोर एंड फाइव ये आपके फाइव फैक्टोरियल के डिवाइजर्स होंगे, लेकिन बट नॉट दीज ओनली आर द डिवाइजर, बट नॉट ओनली दीज आर द डिवाइजर, दीज आर द डिवाइजर, वहां पर आपके पास और भी बहुत सारे डिवाइजर्स हैं, तो हम जस्ट उनके अंदर से थोड़े से उठा रहे हैं, ठीक है, इतना सब काम है। तो देखो यदि आप ये वाले उठा रहे हो कि 1, 2, 3, 4, 5 आपके डिवाइजर है तो सम ऑफ रेसिप्रोकल कितना होगा, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन फैक्टोरियल आपके पास कितना जाएगा, सिर्फ 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है ना पहली वाला, 2 का रेसिप्रोकल 1 बाय 2, 3 का रेसिप्रोकल 1 बाय 3, 4 का रेसिप्रोकल 1 बाय 4, चलते चलते 1 ओवर एन आपके पास आ जाएगा। अब ये जितना भी आपके पास यहाँ पर सम निकल रखा है तो इट इज आपके पास जितना भी आंसर आया है तो ये आपका लेस देन और इक्वल टू होगा समेशन ऑफ वन ओवर डी,
भाई डी आपके पास क्या है, डिवाइजर ऑफ फैक्टोरियल एन है। आपकी बार हम एन फैक्टोरियल को टारगेट करें, आपकी बार हम एन फैक्टोरियल को। तो डियर स्टूडेंट्स आप जब भी समीशन के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर आपको एन फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा और इधर आपका वन ओवर डी आर है और ये आपका डी डिवाइजर है। अब जहाँ से समझिए थोड़ा सा, होगा क्या सर जी, लेस देन इक्वल टू क्यों आप लिख रहे हो, बिकॉज डियर ये जो हम जहाँ पर लिख रहे हैं ये तो हम सिंपल वाले वन टू थ्री फोर लिख रहे हैं, लेकिन जो आप जहाँ पर डी यूज़ करेंगे तो ऐसे तो डी आपके पास बहुत सारी आ जाएंगी, जैसे कि भी आपके केस में इसी केस में हमारे पास जैसे आप 120 को टारगेट कर रहे हैं। मैं इसको फिर से समझा देता हूँ एक मिनट के लिए, आप यहाँ पर देखना फिर कंटिन्यू करते हैं। तो क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, जैसे हम 5 फैक्टोरियल को ही टारगेट करके हैं, हम बोल रहे हैं कि 1 ओवर 1, 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 5, तो ये हमारे पास सिर्फ हम 5 उठा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो डिवाइजर होते हैं वो 1 ओवर 2 आ जाएगा, 1 ओवर 3 भी आ रहा है, 1 ओवर 4 भी आ रहा है, 1 ओवर 5 भी आ रहा है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डिवाइजर था वो मेरे पास 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है। 1 ओवर 6 आ जाएगा, 1 ओवर 10 आ जाएगा, 1 ओवर 12 आ जाएगा, 1 ओवर आपका 15 आ जाएगा, 1 ओवर 24 आ जाएगा, 1 ओवर 30 आ जाएगा, 1 ओवर 60 आ जाएगा, 1 ओवर 120 आ जाएगा। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअल के अंदर, तो हमारे पास तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये जो मेरे हेड के पीछे वो लिख रखे हैं आपके सामने, ठीक है। तो समझने की बात है, तो समझना है आप लोगों ने। तो अभी हमने सिर्फ डायरेक्ट वाले 5 को टारगेट करा कि हम सिर्फ पहले 5 की बात करेंगे जो नॉर्मल हमें दिख रहे हैं, ठीक है जी वाले, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे होते हैं। अब आपके पास यहाँ पर 5 टर्म्स है, यहाँ पर आपके पास टोटल आई थिंक मोर देन 10 टर्म्स है। तो यदि आप 5 का सम करोगे और इस तरफ आप ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, चाहे आपका जो 1 ओवर 120 बहुत कम है ना एज कम्पेयर टू 1 ओवर 5, लेकिन स्टिल इसकी एक वैल्यू होती है। आपका जो 1 ओवर 6 है वो 1 ओवर 5 से छोटा है, लेकिन स्टिल इट हैव सम वैल्यू। 1 ओवर 10 की कोई ना कोई वैल्यू है, 1 ओवर 12 की कोई ना कोई वैल्यू है। तो आपके पास जब आप छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड करते चले जाओगे तो आपका आंसर जो इम्पैक्ट करेगा, आपका जो राइट हैंड साइड वाला आंसर है वो ग्रेटर देन होगा, आपका जो राइट वाला आंसर है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो सकता है। अब इक्वल टू का साइन तो हम वैसे लगा रहे हैं, लेकिन वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे केस हैं। अब इक्वल टू किस केस में हो सकता है, यदि आप एन को बहुत स्मॉल ले लेते हो, आप 2 फैक्टोरियल की बात करो, आप 2 फैक्टोरियल की बात करोगे, यदि आप 2 फैक्टोरियल की बात करोगे तो उसका आपको 1 और 2 दो ही डिवाइजर देखेंगे। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी आपको दो ही डिवाइजर मिलेंगे। तो उन केसेस के अंदर आपको यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके पास ये आपको क्या हो कि आपके पास दोनों सेम आ जाए, यदि आप एन को बहुत छोटा लेते हैं, अदरवाइज आपकी राइट हैंड साइड ग्रेटर देन रहेगी। अब इस साइड को हमने लिख रखा है कि हमारा जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन है उसके अंदर 1 आ गया, 1 बाय 2 आ गया, 1 बाय 3 आ गया, अप टू सोन, यहाँ पर 1 ओवर एन था जो लेस देन इक्वल टू होगा समीशन। अब ये सारे के सारे क्या आपको इस तरफ क्या मिल रहा है, ये सभी के सभी आपको मिल रखा है ये वाला डिवाइजर, मतलब 1 ओवर डी है, और डी किसको डिवाइड करें आप फैक्टोरियल ऑफ एन को, तो ये हमारी एक लाइन यहाँ से बनकर आती है, ठीक है इतना हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट अभी अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर प्रूव करा कि जो हमारा जो सम होता है ये वाला है ना आपके पास जो वाला जो भी आपका सम निकल कर आ रहा है इट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एन। अब एन के केस जगह पर हमारे पास एन फैक्टोरियल और नीचे भी एन फैक्टोरियल आएगा। अभी आर्टिकल नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमने यही चीज़ शो करी थी कि हमारे पास रिजल्ट कहाँ पर चल गया वो आई थिंक यहाँ पर हमने प्रूव करा था कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल का सम होता है ना सम ऑफ रेसिप्रोकल एन यदि डी आपका एन को डिवाइड करता है तो वो सिग्मा एन ओवर एन है। यहाँ पर एन को टारगेट करा था तो आप एन एन लिख रहे हैं, लेकिन अब की जो सेकंड एग्जांपल में एन फैक्टोरियल था तो आप इसको एन फैक्टोरियल लिख सकते हो, ठीक है डियर। तो ये हो गया, तो डियर फिर हमारे पास जो 1 है 1 ओवर 2 है 1 ओवर 3 है आपके पास चलते चलते 1 ओवर एन है वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा ऑफ एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड एग्जांपल भी प्रूव हो गई। अब एग्जाम्पल काफ़ी आसान थी, लेकिन जब भी आप नंबर थ्योरी के अंदर चीज़ें करते हो और आपको कहीं पर कोई क्लैरिटी ना आए तो डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना होता है, आपने खुद से एक एग्जाम्पल ले लेनी है। आप एन को रिप्लेस कर लो किसी भी नंबर 4 5 और किसी भी नंबर से रिप्लेस करो और वहां तक उन चीज़ों को देखिएगा। जैसे आप उनको अनुभव करेंगे फील करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी आज का सेकंड आर्टिकल था, सेकंड एग्जाम्पल थी। उसको आपकी बुक के अंदर इनके प्रूफ रहे होंगे, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायरेक्ट यहाँ से, और यू कैन इसको आप लिख भी सकते स्टेप बाय स्टेप। और ये आपका जो नेक्स्ट आ जाएगा, अब जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा देखने को अलग से लगता है, उसके अंदर हम समीशन लेते हैं जहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेशन आ रही है डी की पावर डी प्लस एन ओवर डी एन की पावर सिग्मा। अरे सर जी इतनी डी डी इकट्ठी कर रखी है, तो देखने को थोड़ी सी घबराहट तो मेरे जो भी हो रही है कि ये कैसे करना होगा, लेकिन फिर से स्टार्ट कर लेते हैं उसी अंदाज के अंदर। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले तो आप जो भी प्रूव करना चाहते हो उसको डायरेक्ट छोड़ने से पहले कि आप लिख लो कि हम प्रूव करना क्या चाहते हैं। हमें हमारे पास पाई, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट करना है डी डिवाइजर एन, किसका करना है डी की पावर यहाँ पर डी प्लस एन ओवर डी, और ये बोल रहा है कि इज इक्वल टू एन की पावर सिग्मा ऑफ एन होता है। सिग्मा एन क्या होता है सम ऑफ डिवाइजर।
यहाँ पर ये चीजें बोल रहा है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट हम स्टार्ट कैसे करेंगे, फिर से जैसे पहले वाला अंदाज था वहीं से करते हैं, घबराना नहीं, देखेंगे क्या चीजें आकर निकल आती हैं। एक दो की पॉइंट्स होंगे। की पॉइंट पहला कि आपको डिवाइजर लेट करने होंगे, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं पहले की तरह कि हमारा डी वन है, डी टू है और डी थ्री। अप टू सेवन हमारे पास डी ऑफ आर बी पॉजिटिव हमारे पास क्या है, डिवाइजर्स हैं, किसके हैं, एन के। तो जैसे मैंने पहले बोला तो बिच एम्प्लाइज, तो देयरफॉर आपका इनका रेसिप्रोकल लेंगे और एन से डिवाइड कर लो, या फिर आप एन को इन्हीं नंबर से डिवाइड करेंगे, एन ओवर डी वन, एन ओवर डी टू और एन ओवर डी थ्री, अप टू सेवन आपका एन ओवर डी ऑफ आर, ये भी आपके पास डिवाइजर होंगे, किसके, एन के डिवाइजर रहेंगे। इतना हो गया। केस नंबर वन के अंदर यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करते चले जाना है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर डी वन लेंगे तो आपका डी वन ना देगा, प्रोडक्ट करवानी है, ठीक है। अभी हम जो भी आपका प्रोडक्ट है लेट कर लेते हैं, कैपिटल पी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब ये वाला आपका डी डिवाइड्स एन है और यहाँ पर डी आपका यहाँ पर डी प्लस एन ओवर डी है। तो यहाँ पर आप डी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, तो पी का जो आंसर आ रहा है हमारे पास, तो पहली वैल्यू तो हमारे पास डी वन है, तो यहाँ पर डी वन आ जाएगा, पावर में भी डी वन एन ओवर डी वन आ जाएगा और मल्टीप्लीकेशन डी टू आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, फिर डी टू आ जाएगा एन ओवर डी टू आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट आपका डी थ्री आ जाएगा, पावर के अंदर डी थ्री गया और एन ओवर डी थ्री और अप टू सेवन चलते चलते यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन है, डॉट डॉट करके मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डी आर आ जाएगा और एन ओवर डी ऑफ आर आपके सामने आ जाएगा। तो जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो हमने उसी को एज अ पी लेट कर लिया। अब पाई दे रखा था नीचे, अब वो डी बार बार उनको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे जो आपकी एन को डिवाइड करते हैं, और हमने डी वन डी टू डी थ्री और डी आर तक लेट करा था। तो जैसे ही हमने प्रोडक्ट को ओपन करा, पाई को प्रोडक्ट ओपन करा, तो आपके पास ऐसे कुछ फैक्टर्स बन जाएंगे डी वन की पावर की तरफ से। तो इसको आप नंबर वन मान सकते हैं कि जस्ट फॉर वन। अब डियर एक तो ये हो गया प्रोडक्ट, लेकिन हमारे पास तो दो तरह के डिवाइजर है ना, एक तो ऊपर वाले सिंपल ये थे बोले वाले जो तो हमने कर लिया, और एक हमारे पास दूसरे भी डिवाइजर आ रहे हैं, उनके साथ भी काम करना पड़ेगा। अब जब उनके साथ करोगे तो तब आपको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा नंबर टू के लिए, और करना आपको प्रोडक्ट ही है, तो पी आप फिर से लिख सकते हो। और अब की बार आपका ना जो डिवाइजर आ रहा है वो डी वन नहीं आ रहा है, वो एन ओवर डी वन आ रहा है। तो जहां पर भी आपको डी वन डी वन डी वन दिख रहा था, वहां पर आप एन ओवर डी वन लिखोगे। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई हेयर कि आप जहां पर डी इधर डी और इधर डी को आप रिप्लेस करोगे एन ओवर डी वन एन ओवर डी वन एन ओवर डी वन के साथ, ठीक है। तो चीजें थोड़ी सी ध्यान से करना। तो जो ऊपर आपको दिख रहा है ना ये वाला जहां पर डी वन है डी वन, तो ये आपका सिंपली इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन अब की बार आपका एन ओवर डी वन के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो आपका पहला जगह डी की जगह आ जाएगा एन ओवर डी वन, और यहाँ पर आपके पास एन ओवर डी वन आ जाएगा, ठीक है, पहली वाला। फिर मल्टीप्लीकेशन आपका सेकंड एन ओवर डी टू आ जाएगा, और पावर के अंदर डी टू की जगह आप लिखोगे एन ओवर डी टू और प्लस एन ओवर डी टू आपके पास आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन चलते चलते लास्ट आपका जो रहेगा ये आएगा आपका एन ओवर डी आर, और पावर के अंदर भी एन ओवर डी आर प्लस एन ओवर आपका डी ऑफ आर आ जाएगा। तो कुछ ऐसा आपके पास ये दिखेगा, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। आपके पास जहां पर फ्रैक्शन है ना जी, तो एक तो यहां पर एक काम करो कि जो जहां पर भी आपको सेकंड में एन में एन दिख रहा है इसको कैंसिल करो, और डी वन आपका जहां से नीचे से ऊपर चला जाएगा, इधर भी एन सी एन कटिंग कर लेते हैं, डी टू हमारा ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल लेकर, एन सी एन कटिंग कर लेते हैं, डी आर हमारा ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ा सा एक स्टेप ये कर लेते हैं, ठीक है। तो पी हमारे पास आ जाएगी एन ओवर डी वन है, और जो आपकी जो सेकंड वाली टर्म आ रही है ना डी वन वाली, इसको आप पहले लिख सकते हो कि आप डी वन आ गया, और ये जो सेकंड वाली टर्म थी इसको आपने इधर लिख दिया और इसको हमने इधर लिख दिया, तो ये आपका एन ओवर डी वन आ जाएगा। इसी तरह से आपको एन ओवर डी टू के अंदर भी यहाँ से एन एन कैंसिल होगी, डी टू आपका ऊपर चला गया तो उसको फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, और ये जो फ्रैक्शन वाली इसको हम सेकेंड टर्म लिख रहे हैं, ऐसे ही आ गया। और चलते चलते हमारे पास एन ओवर डी ऑफ आर है, और इसके अंदर भी हमारा जो डी आर ऊपर चला गया है तो डी आर पहले लिख लो, और प्लस आपके पास एन ओवर डी आर बाद में लिख लेना। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हमारे पास जो फ्रैक्शन है ना, इस फ्रैक्शन को तोड़ देते हैं, न्यूमिनेटर को अलग कर दो, डिनोमिनेटर को अलग से कर दो। तो न्यूमिनेटर को अलग कर देते हैं, डिनोमिनेटर को अलग से कर देते हैं, तुम्हारा कैपिटल पी एज रहेगा। तो आपका जो एन है ऊपर उसकी पावर आपको डी वन प्लस एन ओवर डी टू मिलेगी, और फिर आपका आ जाएगा ऊपर एन, फिर एन आ जाएगा इसकी पावर डी टू प्लस एन ओवर डी टू मिलेगी, और अप टू चल देते फिर एन आ जाएगा इसकी पावर आपको डी आर प्लस एन ओवर डी आर ऑफ मिलेगी। ये हो गया। और डिनोमिनेटर के अंदर आपको मिल रखा है, आपको d1 मिल रहा है खाली, इसकी पावर मिल रही है d1 वन प्लस एन ओवर डी वन है, मल्टीप्लीकेशन d2 मिल रहा है, इसकी पावर आपको d2 मिल रही है इंटू एन ओवर डी, यहाँ पर सेंटर में प्लस है, एन ओवर d2 है, और चलते चलते आपको d ऑफ r मिल रहा है, और इसकी पावर आपको d ऑफ r प्लस एन ओवर डी आर मिल रही है। अब ये जो चीज़ आपको डिनोमिनेटर के अंदर दिख रही है ना ये वाला,
ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान से, कुछ ये पार्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन के अंदर, जो जैसे ये वाला ये सारे का सारा पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट आपके पास है, ये वाला पार्ट, तो इसको आपने नंबर वन कर रखा है जो आपका बन रहा है। और एनडीटी इज इक्वल टू कैपिटल पी, ये वाला पार्ट आपका कैपिटल पी है, तो आप डिनोमिनेटर के अंदर कैपिटल पी लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप के अंदर। और इस तरफ आपका जहां पर एन आपका एन और एन आपका सेम आ रहा है, तो यदि बेस सेम हो तो आप पावर्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, आप एन लिख लेते हैं और ऊपर पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। जब पावर्स को ऐड करने जाएंगे तो वहां पर भी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेता हूं, जो आपके लाइक डी वन डी टू इनको आप अलग से ऐड कर लेना, अलग से डी वन डी टू अप टू सेवन डी ऑफ आर, और जो आपकी फ्रैक्शन वाली पावर्स है जैसे एन ओवर डी वन है एन ओवर डी टू है ना, उनको आप अलग से कर लेना, जैसे एन ओवर डी वन है प्लस एन ओवर डी टू है अप टू सेवन एन ओवर डी ऑफ आर हमारे पास है, ये हो गया। और नीचे मैंने बोला था कि आपका पूरे का पूरा कैपिटल पी बन जाएगा, नेक्स्ट टाइम एक कैपिटल पी को आप दूसरी तरफ लेकर जा सकते हो, तो कैपिटल पी का आपके पास क्लियर हो जाएगा। और इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, डियर ध्यान से देखना, अब यहाँ पर हमारे पास वो क्या रहा है डी वन प्लस डी टू प्लस डी आर, तो यहाँ पर ये सम है, किसका सम है डी वन डी टू डी आर का सम है। ओ माई गॉड, डी वन डी टू डी आर तो हमारे पास क्या थे, दीज वर द डिवाइजर ऑफ एन, तो दीज वर द डिवाइजर ऑफ एन, तो सम ऑफ डिवाइजर ऑफ एन इज रिटन बाई सिग्मा ऑफ एन है, ठीक है, तो ये तो हमारा सिग्मा ऑफ एन बन जाएगा। और यदि आप सेकंड की बात करेंगे तो जो सेकंड वाला सम बन रहा है दैट इज ऑल्सो द सम ऑफ द डिवाइजर ऑफ एन, बिकॉज एन ओवर डी वन एन ओवर डी टू और एन ओवर डी आर ये भी तो हमारे पास डिवाइजर थे ना, ये दो लाइन आपने लिख रखी है, ये डिवाइजर तो ये नीचे वाले तो डिवाइजर है, और जब भी आपके पास सम ऑफ डिवाइजर आता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा ऑफ एन से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट वाला केस आ रहा है तो ये आपका सिग्मा ऑफ एन आ गया और सेंटर में प्लस, और सेकंड वाला भी आपका सिग्मा ऑफ एन से निकल कर आ जाएगा। तो कैपिटल पी की पावर टू हमारे पास यहाँ पर आपका सिग्मा, तो डबल ऑफ सिग्मा ऑफ एन आपको मिलेगा। और यदि आपका इसको वी कैन राइट इट एज कि हम एन की पावर सिग्मा एन ऐसे लिख लेते हैं, जो स्क्वायर है वो आप दूसरी तरफ लेकर जाओ और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट की कैपिटल पी की वैल्यू एन इंटू सिग्मा ऑफ एन आ जाएगी आपके पास। और कैपिटल पी हमारे पास एक्चुअल के अंदर था क्या कि प्रोडक्ट करवानी है हमने, किसकी प्रोडक्ट करनी है डी की, और डी आपके डिवाइड करने चाहिए एन को, विच इज इक्वल टू एन की पावर सिग्मा ऑफ एन, तो ये हमारा यहाँ पर था। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे थे डी प्लस एन ओवर डी ले रहे थे, तो ये आपकी जो सेकंड एग्जांपल हमने करी है वो जहाँ से प्रूव करी है इसका प्रूफ आप देख सकते हो एक बार कैसे कैसे हमने करा था, ठीक है, ये हमारा मेन रिजल्ट था। इसके अंदर आपको लर्निंग कैसे करनी है, तो गिवन आपका समय पाई डी डिवाइड एन कर रहा है, उसकी पावर डी की पावर डी प्लस एन ओवर डी और एन की पावर सिग्मा ऑफ एन आपने रिप्रेजेंट करनी, डरना बिल्कुल नहीं, जितने भी एग्जाम्पल करोगे तो वहां से हर एक एग्जाम्पल के बाद आपको एक क्लैरिटी आती चली जाएगी कि जब भी ऐसे सम आते हैं हमारे पास एन दिया होता है तो हम उनके डिवाइजर लेट करेंगे, और जैसे आप डिवाइजर लेट कर लेते हो तो आप एन से उन डिवाइजर को डिवाइड कर लेते हो, ठीक है, तो जो आंसर आते हैं दैट इज अगेन आपके डिवाइजर। तो आपके पास दो तरह से डिवाइजर मिलेंगे, वी ऑलवेज हैव अ टू टाइप्स ऑफ डिवाइजर, ठीक है, वन इन असेंडिंग और अदर इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फिर आप आपकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करेंगे, पाई है आपको प्रोडक्ट खोल देना, आपको इंडिविजुअल वैल्यूज डी वन डी टू डी थ्री पुट कर देनी जहां पर भी उनके अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग, तो वी हैव टू फिल द डिवाइजर्स इन द प्रोडक्ट रूल पी इन टू डिफरेंट वे, तो एक बार आप डायरेक्ट वाले लेंगे, एक बार आप रेसिप्रोकल लेंगे, और उसके बाद जो रेसिप्रोकल वाले हैं वहाँ पर आप सिंप्लीफिकेशन करते चले जाएंगे, है ना, तो सिंप्लीफिकेशन करते करते आपका काम होता चला जाएगा। एंड इट इज़ अ वेरी जी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पर, जैसे कि आपका एन था और नीचे आपका एन ओवर डी ऑफ वन था, तो डी वन तो आपका ऊपर चला जाना था और एन से एन कैंसिल हो जानी थी, है ना, डी वन आपका ऊपर चला जाना था, तो आपके पास एन ओवर डी वन प्लस डी वन बनना था, वही हमने आगे लिखा हुआ। अब आई थिंक जहाँ से इसका आगे तो आपको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट रहेगा तो एक बार आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, ठीक है, एक बार फिर से देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर फोर इसके साथ आपकी फिनिश हो जाएगी। और यदि एग्जाम्पल नंबर फाइव की तरफ हम चलते हैं तो वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, और वाह जी वाह, तो जहाँ पर भी आपका कुछ ऐसा ही है कि हमें प्रूव करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन इज इक्वल टू एन की पावर टाउ एन ओवर टू या फिर डी एन ओवर टू, भाई डी एन आपके पास नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एन होते हैं और डी एन का मतलब भी आपका नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एन है, टाउ और डी एन बोथ रिप्रेजेंट द सेम फंक्शन दैट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन, वो हमने यहाँ पर शो करने हैं। अब इसके अंदर आप कैसे करोगे, यहाँ पर भी सिंपल प्रोडक्ट की बात कर रखी है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो प्रूफ करना है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे कॉपी के ऊपर कि हमें जो प्रूफ करना है, ठीक है, वी वॉन्ट टू प्रूफ, हमें जो प्रूव करना है वो हम यहाँ से मेंशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट करवानी है डी की जो कि आपका डिवाइजर ऑफ एन होगा और इज इक्वल टू एन की पावर आपका टाउ एन ओवर टू आप लिख सकते हो, वन बाई टू का मतलब सेम ही रहता है। अब यहाँ पर डी आपके पास क्या रहेंगे डिवाइजर्स ऑफ एन है, तो यहाँ पर भी आपको लेट करने पड़ेंगे, तो ये आपका दो वे में कर सकते हो, एक तो आप
एन को लेट कर सकते हो कि यदि एन आपका इक्वल टू वन फिर तो आपका केस हो गया ही हुआ, यदि एन ग्रेटर देन फिर कैसे करोगे। पहले मैं आपको एन इज इक्वल टू वन के लिए बात कर लेता हूँ। यदि एन को आप वन सेलेक्ट कर लेते हो तो डी वन आपके पास वन नहीं होगा बिकॉज, और इसका डिवाइजर भी खाली एक ही डिवाइजर आपको मिलेगा। तो जो आप यहाँ पर प्रोडक्ट करो ना डी डिवाइड एन ऑफ डी, तो जो आपके पास खाली डी वन आ जाएगा जो कि आपका वन रहेगा। और दूसरी तरफ यदि आप सिग्मा ऑफ एन की टाउ ऑफ एन की बात करेंगे, टाउ ऑफ वन, अब वन को कौन डिवाइड करता है, सिर्फ एक नंबर डिवाइड करता तो इतना आ जाएगा। और एन की पावर आपने टाउ एन ओवर टू करनी है, तो एन तो आपका खुद से वन है और टाउ एन भी वन ओवर टू, और वन की पावर वन बाई टू वन नहीं होती, तो यहाँ पर भी वन आ रहा है और आपका इधर से वन भी आ रहा। प्रोडक्ट करवा लो या फिर फॉर्मल लगा लो राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम है तो आपका रिजल्ट जो वो ट्रू रहेगा फॉर एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे आप पूरा सॉल्व करके कि फॉर एन इज इक्वल टू वन द रिजल्ट इज ट्रू, है ना, तो जो आपके पास रिजल्ट इज ट्रू होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यदि इसके लिए रिजल्ट ट्रू है तो हम एन को ग्रेटर देन वन मान लेते हैं। नाउ लेट कि हमारे पास जो एन है वो ग्रेटर देन वन है, यदि वन से बड़ा है तो उसके बाद तो दिया फोर, उसके बाद हम लेट कर लेते हैं। नाउ एन ग्रेटर देन वन ना, पहले तो हमने टेक कर लिया, नाउ वी टेक, है ना, यहाँ पर आप टेक कर सकते हो कि नाउ वी टेक एन ग्रेटर देन वन, उसके बाद हमारे पास लेट कर लेने डी वन डी डी वन, और वैसे ही आपने जैसे पहले करा था डी वन डी टू डी थ्री आप टू सो, हमारे पास डी आर क्या है आर डिवाइजर्स ऑफ एन है, ये सारे के सारे डिवाइजर है। तो यदि ये डिवाइजर है तो डिवाइजर की काउंटिंग करके देखो कितना आ रहा है, तो यहां से हमारा पहला डिवाइजर दूसरा तीसरा हम मानकर चलते कि हमारे पास आर है, तो दैट इज बी गेट। यहां से मैं एक चीज होगी कि हमारे पास जो टाउ ऑफ एन होगा है ना वो कितना आ रहा है, आर आ रहा है। पर ये टाउ ऑफ एन को आप डी ऑफ एन से भी रिप्रेजेंट करते हो, इसका मतलब था कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स होते हैं। अब हमारे पास डी वन डी टू डी थ्री डी आर तक जा रहे हैं, टोटल आर टर्म्स हैं, तो मतलब टोटल आपके पास आर डिवाइजर है, तो टाउ एन की वैल्यू तो आपके पास आर आने वाले, ये तो कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, आफ्टर दिस आपको क्या करना होगा, अभी हमारे पास क्या है कि सिंस सिंस हमारे पास डी वन कॉमन डी टू कॉमन डी थ्री है ना, और आप टू सो डी ऑफ आर आपके पास डिवाइजर्स है इसके एन के, तो देयरफॉर इनका जब आप एन ओवर डी वन करोगे, एन ओवर डी टू करोगे, एन ओवर डी थ्री करोगे, अप टू सो आपके पास एन ओवर डी ऑफ आर आएगा आर ऑल्सो, तो ये भी आपके पास क्या होंगे डिवाइजर ही होंगे। ठीक है, तो अभी आप नंबर वन आप प्रोडक्ट करो डी ऑफ एन ओवर डी को ओपन करवाओ, तो जहाँ से पहले केस के अंदर हमारा डी वन आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन डी टू आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन डी थ्री आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन चलते चलते आपका डी ऑफ आर आ जाएगा नंबर वन आपके पास ये चीज़ रहेगी। ठीक है, एक तरह और अगेन हम यदि स्टार्ट कर लेते हैं कि डी डिवाइजर ऑफ एन डी है, तो इसका अब की बार हम दूसरे वाले लेंगे एन ओवर डी वन मल्टीप्लीकेशन एन ओवर डी टू मल्टीप्लीकेशन एन ओवर डी थ्री, और चलते चलते आपका एन ओवर डी ऑफ आर खाली मल्टीप्लाई करना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आप देखो कि आपका एन कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है एन की पावर उतनी ही आपके पास आ जाएगी। खाली एन को दो बार मल्टीप्लाई करते हो तो एन का स्क्वायर हो जाता है, और एन को आप थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो एन की आपके पास क्यूब आ जाती है। अभी तो हम आठ टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो एन की पावर आर आ गई, और नीचे हमारे पास डी वन डी टू डी थ्री अप टू सोन हमारे पास डी ऑफ आर आ गया। और भाई इक्वेशन नंबर वन इस पूरे का जो आंसर था हमारे पास डी वाले का, इसका आंसर आपका इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डी था, सिंपल। तो आप इसकी वैल्यू लगा सकते हैं या फिर इसको आप पी भी लेट कर सकते थे। ठीक है, तो इसको आप पी यदि लेट कर लेते तो पी लेट कर लेते, अभी हमने नहीं लेट करा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपका पाई था डी था, डी डिवाइड आपका एन कर रहा है, ऊपर एन की पावर आर आ गई, और नीचे वाला पोर्शन भी आपका पाई बन चुका है, रेडी प्रोडक्ट ऑफ डी वेयर डी डिवाइड ऑफ एन है। तो इस वाले फैक्टर को आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ डी डी ओवर एन का होल स्क्वायर आ जाएगा इजकल टू एन की पावर आर, और यदि आप दूसरी तरफ से स्क्वायर हटाते हो तो आपका यहाँ पर पाई आ जाएगा और डी डिवाइड एन करा तो इस तरफ आकर आपका ये पावर है वो वन बाय टू बन जाएगी, दैट इज एन की पावर आर बाय टू आ जाएगी। और जो आर की वैल्यू आई हमने ऊपर लिख रखी थी कि वी कैन राइट अवर आर एज टाउ ऑफ एन, तो आप आर की वैल्यू टाउ ऑफ एन यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो हमारे पास टाउ ऑफ एन आ जाएगी तो नीचे टू आपका एज इट रहेगा। तो यही तो हमने प्रूव करना था यहाँ तक, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस वाले पार्ट के अंदर काफ़ी आसान रिजल्ट रहते हैं ये वाली चीज़ें। अब जब यहाँ पर आप प्रूव करना चाहते हो कि प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर ऑफ एन इज इक्वल टू ऑल्सो रिटन एज एन की पावर टाउ एन ओवर टू, आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, यहाँ पर आपकी एन की सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि हमारा एन खुद से वन है तो फिर तो ये चीज़ होगी होगी, और वैसे मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वो करवा दिया था एग्जांपल लेकर कि यदि आप एन वन लेते तो डी वन उसका डिवाइजर भी एक ही आएगा। ठीक है, और टाउ वन डेट इज टाउ वन मतलब वन को कौन कौन डिवाइड करता है, वन नहीं करता, वन आ जाएगा, फिर एन की पावर टाउ एन ओवर टू हम जहाँ से करोगे, एन आपका वन है टाउ एन की पावर वन है तो वन का अंडर वन नहीं होगा, तो ये दोनों साइड सेम चलती है। ठीक है,
लेकिन जैसे आप राइट हैंड साइड के आगे मूव करते हो तो वहां से आपके लेट कर लेंगे, या फिर वी विल टेक कि हमारा जो एन है वो ग्रेटर देन टू है, सॉरी एन ग्रेटर देन वन है। यदि वन से बड़ा होगा तो इसके खुद से कोई ना कोई डिवाइजर्स होंगे, और जितने इसके डिवाइजर है तो आपके पास नंबर ऑफ यहाँ पर टाउ एन की वैल्यू आ जाएगी यार, बिकॉज यहाँ पर हम आर डिवाइजर सेलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके यदि आपके डी वन डी टू डी एन आर डिवाइजर है तो इनका आप लोगों की एन ओवर डी वन जी सर भी डिवाइजर आएंगे। तो आपने जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को 2 टाइम्स ओपन करना है। पहले हम ओपन करेंगे जहां पर पाई डी डी डिवाइडेड, तो यहां पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ गई, फिर से हम डिवाइड करेंगे पाई के साथ, मतलब प्रोडक्ट करेंगे डिवाइजर। अब की बार डिवाइजर आप सेकंड कैटेगरी के लेंगे। अब जब सेकंड कैटेगरी के हम ले रहे हैं तो ऊपर हमारा एन जो है आर टाइम्स आ रहा है, तो ऊपर एन की पावर आर आ गई, नीचे हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट बन रही थी, और वो प्रोडक्ट तो हमें एग्जाम्पल नंबर मतलब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सिंपल डी बन रहा है हमारा, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी डिनोमिनेटर के अंदर। इसको हम दूसरी तरफ लेकर चलेंगे, वहां से स्क्वायर हो गया, स्क्वायर को हटाया तो एन की पावर आर ओवर टू हमें मिल रही थी, और आर की वैल्यू हमने ऊपर से पहले निकाल रखी कि टाउ ऑफ एन इन दिस केस हमारे पास है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो कि अराउंड हमारा 30 मिनट के आसपास हो चुके हैं, इतने 4 एग्जाम्पल शूट भी हमने करवा दिए। अब जाइए हम इसके जितने भी सम कर ले उतने कम होंगे, और स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्या होगा। इंपॉर्टेंट तो राजी बस आपको आपकी खुद की मेहनत है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हार्डवर्क है। मैथ्स के अंदर हम चॉइस बनाएंगे तो फंस जाएंगे ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन यदि आप बनाना चाहते हो फिर भी आप एक बार 10 के क्वेश्चन देख लीजिएगा, और जहाँ से जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट है चाहे उनके ऊपर लिखा हो रखा है कि वो कभी किसी एग्जाम में आई है या फिर नहीं आई, लेकिन यदि आप एक और उसको समझ लेते हो तो ऐसी और भी एग्जाम्पल जो एक्सपेक्टेड हो सकते एग्जाम आप उनको कर पाएंगे, और एक एग्जाम्पल के अंदर जो आपकी गुड क्लैरिटी आपको बाकी एग्जाम्पल के अंदर हेल्प करती हुई दिखेगी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना कर लेते हैं, और धन्यवाद आप लोगों का इस लेक्चर को देखने के लिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि लेक्चर आपको बढ़िया लगते हैं और आपकी डिमांडिंग लेक्चर थे तो प्लीज़ इनको आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज यदि आप जहाँ से कुछ ले रहे हो तो इन रिटर्न आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आप कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं हमारे चैनल के। या तो आपको ऊपर एक ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको चैनल टू सपोर्टर्स का एक लिंक होगा, मतलब आप उसको क्लिक कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू हेल्प अस इन एनी वे, ठीक है। वो हो जाएगी। नंबर टू, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ 2-4-5 फ्रेंड के साथ शेयर करके हमारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, जो कि देखने में गुड लगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। आप लोगों ने इसे यहाँ तक सुना, वैसे तो बच्चे पार्टी यहाँ तक सुनते नहीं है, इसलिए मैं ये बातें जो करता हूँ वो लास्ट में ही करता हूँ कि ओनली ट्रू जो सपोर्टर्स है या फिर ओनली ट्रू लर्नर्स ही इन चीज़ों को समझ पाए और उनको अपने हृदय के अंदर लेकर जा सकें। एवरीवन इज नॉट कि वे बहुत सारी चीज़ें समझ पाए जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट मार्क के साथ। तब तक स्माइल करते रहिए और दूसरों को खुश रखते रहिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।